बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप मुझे ज्वाइन करेंगे हमारे कॉफ़ी टाइम में और मैं कॉफ़ी बना रही हूँ अपनी स्ट्रेंथ के लिए, इट मीन्स अपने हस्बैंड के लिए। चले कॉफ़ी को स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने 2 टेबलस्पून कॉफ़ी ली, 2 ही टेबलस्पून मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ और इतनी ही मिकदार में मैंने इसमें पानी को ऐड किया। पानी को ऐड करने के बाद इसको आप अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दें। मिक्स बस इतना करना है, मिक्स करते जाएं कि जिस जिसने कॉफ़ी पीनी है मिनिमम उस सबको आप कॉफ़ी को मिक्स करने के लिए दे दें। 5-5 मिनट्स आप सब जो है कॉफ़ी को अच्छे से मिक्स करें। और कॉफ़ी को मिक्स करते हुए आप पूरे घर का चक्कर लगा सकते हैं, आप अपने बच्चों को देख सकते हैं कौन क्या कर रहा है, और आप फिर उसी जगह पे वापस आ जाएं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि आपकी कॉफ़ी डन नहीं होती। कॉफ़ी को टाइम लगता है रेडी होने में, और फिर भी इसको मिक्स करते जाएं। कोई सी लिए कॉफ़ी लोग कम ही यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि इस पर रियल टेस्ट के लिए जो है आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। आप देख रहे हैं कि अभी जो है कॉफ़ी डन हो चुकी है, इसका जो है आप कैस्टर देख रहे हैं ये काफ़ी थिक हो चुकी है, इसका कलर चेंज हो गया है। और अब जो है हम अपनी कॉफ़ी को जो है फिर से मिक्स करते हैं। अभी भी मुझे लग रहा है कि कुछ उसमें रह गया है टाइम, और कॉफ़ी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। आप इसको 2 स्पून जो है, 2 कप मैंने रेडी कर दिए हैं, और आप ये देखें किस कदर खूबसूरत और मज़े की लग रही है। और ये कॉफ़ी को मैं कप्स में ऐड कर रही हूँ, और आप कॉफ़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पाकिस्तान में इस मौसम ऐसा है कि आप बाहर बैठ के धुंध में कॉफ़ी को एंजॉय कीजिए। इधर ऐसा मौसम नहीं है कि आप कॉफ़ी का इतना मज़ा नहीं आता जितना कि पाकिस्तान में मज़ा आता है, जितना पाकिस्तान में एंजॉय कर रहे होते हैं विंटर को। यहाँ तो ना ही तो प्रॉपर विंटर होता है और ना प्रॉपर ठंड। कॉफ़ी को मैंने कप्स में जो है वो डाल दिया है, और अब मैं इसमें पूरी कोशिश करूँगी कोई अच्छा सा डिज़ाइन बना दिया जाए। मैं इसमें हार्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझसे कभी सीधी लाइन नहीं लगी, इसीलिए मैं प्रॉपर इसको डेकोर नहीं कर पाऊँगी। लेकिन आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और कॉफ़ी इंजॉय करिए। बाय।